जाट जाति के एक महान योद्धा जो गायों की रक्षार्थ वह केवल एक नागराज को वचन देकर और अपने आप का बलिदान कर दिया था। वो जाट जाति नहीं, जो पूरी किसान कौम है, पूरी किसान कौम उनको अपना आराध्य मानती है, जिनका जन्म नागौर जिले में हुआ था। परंतु यदि जिले विशेष की बात करें तो वो अजमेर जिले के इष्ट देव हैं, जिन्हें काला व बाला लोक देवता भी कहा जाता है। और जाटों के अलावा यदि बात करें तो बारा जिले की वो सहरिया जनजाति, कौन सी सहरिया जनजाति, जो भी अपना आराध्य तेजा जी को मानती है। तो आइए हम चर्चा कर रहे हैं वीर तेजा जी महाराज के इतिहास के बारे में। यदि वीडियो किसी को अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीर तेजा जी महाराज, तेजा जी, इनके अध्ययन से संबंधित यदि हम बात करें तो मुख्यतः पांच बिंदुओं में इनकी समस्त जानकारी हासिल करेंगे, जिनमें नंबर एक बात करें तो इनका प्रारंभिक जीवन या कह सकते हैं जो इनका सामान्य परिचय हो जाएगा। उसके बाद में इनका जो विवाह का घटनाक्रम है, उनके बाद में इनका जो पहली बार ससुराल जाने का घटनाक्रम है, उसके बाद में इनका मेर व मीणाओं से एक युद्ध का घटनाक्रम है, और इनके जो प्रमुख है राजस्थान में जो स्थल है, कौन कौन से स्थल है जहाँ पर इनके मंदिर हैं। इस प्रकार से हम एक दो तीन चार और पांच बिंदुओं के माध्यम से देख रहे हैं तेजा जी के इतिहास को। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब यदि हम बात करें तो राजस्थान में एक जिला पड़ता है नागौर, कौन सा साहब, नागौर जिला, और इस नागौर जिले में एक गांव पड़ता है खरनाल। अब नाम इनका खरनाल भी मिलेगा और खड़नाल भी मिलेगा। खरनाल में जो नागवंशी जाट है, कौन से जाट है, नागवंशी जाट है। परंतु यदि उन नागवंशी जाटों के गोत्र की बात करें तो उनका गोत्र है धोलिया गोत्र, कौन सा है जी, धोलिया उनका गोत्र है। और धोलिया गोत्र में एक व्यक्ति का नाम आता है ताहड़ जी धोलिया, ताहड़ जी धोलिया, और यही ताहड़ जी धोलिया तेजाजी महाराज के पिताजी थे। हालांकि मारवाड़ इतिहास के अनुसार यदि बात करें तो ताहड़ जी धोलिया का अन्य नाम जो मिलता है तो कह सकते हैं बक्साराम जाट, क्या नाम मिलता है, बक्साराम इनका नाम मिलता। ताहड़ जी धोलिया जिनकी जो पत्नी थी इनकी, और पत्नी का जो नाम था राजकुंवरी, क्या नाम था, राजकुंवरी भी मिलेगा और रामकुंवरी भी मिलेगा, राजकुंवरी या रामकुंवरी। और जो इनकी माता थी, तेजा जी की माता का नाम राजकुंवरी व रामकुंवरी, और रामकुंवरी जो थी ने ये किशनगढ़ अजमेर के थे, कहाँ के थी, किशनगढ़ अजमेर। और किशनगढ़ अजमेर की यदि बात करें तो दुल्हन जी की पुत्री थी, किन की पुत्री, दुल्हन जी की पुत्री। तो कह सकते हैं तेजा जी महाराज का ननिहाल किशनगढ़ अजमेर था और उनके नाना का नाम था दुल्हन जी। और दुल्हन जी का यदि गोत्र की बात करें तो ये जानी गोत्र था, जानी जाट थे, कौन से साहब, जानी जाट होते हैं। स्वयं किस जाति के हैं, धोलिया गोत्र के हैं, ये किस गोत्र के हैं, जानी गोत्र के, जो इनके नाना थे, या कह सकते हैं राजकुंवरी के पिता का गोत्र क्या था, जानी गोत्र था। और इन्हीं राजकुंवरी की कोख से जिस शिशु का जन्म हुआ, और इस शिशु के चेहरे पर इतना तेज था और तेज अधिक होने के कारण इनका नाम रखा गया तेजा। और तेजा का यदि जन्म की बात करें तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन तेजा जी का जन्म होता है। तेजा जी से संबंधित तीन तिथियां हैं, तो एक तो बात कर ले माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन तेजा जी का जन्म हुआ था। उसके बाद में यदि बात करें वैशाख की पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा के दिन तेजा जी का विवाह हुआ था। उसके बाद में इनको बलिदान या कह सकते हैं वीर गति जो प्राप्त होते हैं वो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यहाँ तक कि हमने देखा नागौर खरनाल में जन्म है, धोलिया इनका गोत्र है, नागवंशी जाट है, ताहड़ जी धोलिया पिता है, राजकुंवरी जो या रामकुंवरी है उनकी माता का नाम है, ननिहाल किशनगढ़ अजमेर है, दुल्हन जी इनके
नाना का नाम है जो जानी गोत्र से थे। ठीक है जी, अब देखो इनकी एक बात करें तो बहन थी जिनका नाम था राजल। क्या नाम था? राजल। और दूसरा जो सदस्य है तेजा है। इनके अलावा इनका एक भाई भी बताया जाता है बलराम। कौन? बलराम। अब देखो जो राजल हैं, इन राजल बहन का जो विवाह हुआ था वो विवाह होता है तबीजी अजमेर में। तबीजी पढ़े खड़े अजमेर में इनका विवाह हुआ था। किसका? राजल का, जो तेजा जी की क्या थी? बहन थी। और तबीजी में इनके यदि विवाह की बात करें, इनका विवाह किन के साथ हुआ था, तो इनके विवाह से संबंधित जो जोगोजी सिया, कौन से हैं जी? जोगोजी सिहाग के साथ होता है, या कह सकते हैं इनका जो गोत्र था वो था जोगोजी सिहाग। जोगोजी सिहाग है, जोगोजी सिहाग है रायपाल जी, रायपाल जी सिहाग के पुत्र थे। तो यहां से जो राजल है, उन राजल के ससुर का नाम है रायपाल जी सिहाग और उनके पति का नाम है जोगोजी सियाग, और जोगोजी सियाग है वो तेजा जी के क्या हो गए? बहनोई हो गए। और जो राजल है, इन राजल का एक मंदिर है खरनाल में, खरनाल के नजदीक, करनाल के निकट इनका एक मंदिर है जहां पर बंगुरी माता के रूप में इनकी पूजा होती है, या जो मंदिर बंगुरी माता के नाम से जाना जाता है। भ्रातृत्व प्रेम का ये मंदिर है। किसका है? राजल भाई का मंदिर है जो खरनाल के निकट है। तो ये तो होगी इनकी सामान्य से जानकारी, जो इनका सामान्य परिचय, माता पिता कौन है। यहां से ध्यान रखना स्वयं का गोत्र धोलिया है, ननिहाल का गोत्र ज्ञान है, इनकी जो विवाह होता है, ये इनकी बहन का विवाह, उनका जो गोत्र सियाग है, जोगोजी सियाग के साथ इनकी बहन राजल का विवाह हुआ था तबीजी में। ठीक है, इनका ननिहाल किशनगढ़ था, इसलिए सर्वाधिक जो ये संबंध रखते हैं वो किशनगढ़ से ही रखते हैं। इनके चाहे ननिहाल की बात कर लो, बहन का ससुराल की बात कर लो, स्वयं का जो ससुराल था वो भी कहां था? अजमेर में। ठीक है जी, अब देखो यदि अपन बात करें तेजा जी के विवाह की, तेजा जी के विवाह की यदि बात करें, तो तेजा जी का जो विवाह हुआ था वो होता है पुष्कर में, पुष्कर है अजमेर में। और इनका जो विवाह है वो वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन, और जिसको क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। और इसको बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, जिनको निर्वाण की प्राप्ति, जिनके ज्ञान की प्राप्ति और जिनका जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और तेजा जी जब 9 माह के थे, कितने माह के साहब? वर्ष की बात नहीं कर रहे, केवल 9 माह के समय तेजा जी का विवाह है। 6 माह की पेमल के साथ हो गया था। किसके साथ हो गया था? पेमल के साथ हो गया था, जो पेमल कहां की थी? पनेर गांव की। कौन से गांव की थी साहब? पनेर गांव की। और पेमल के यदि पिताजी की बात करें तो पेमल के पिताजी का नाम था राय मलजी मुत्था, रायमलजी मुत्था मुत्था। और जो रायमलजी मुत्था है वो गोत्र की बात करें तो झांझर गोत्र के जाट थे। किस गोत्र के? झांझर गोत्र के जाट थे। तेजा जी स्वयं धोलिया गोत्र के जाट थे। तेजा जी का जो ननिहाल था ज्ञानी गोत्र के जाट थे। तेजा जी की बहन का ससुराल सियाग गोत्र के जाट हैं। तेजा जी स्वयं का जो ससुराल है वो झांझर गोत्र के जाट हैं। जो रायमलजी मुत्था की पुत्री का नाम है पेमल, 6 माह की आयु में इनका विवाह होता है। और पेमल की यदि माताजी की बात करें तो इनकी जो माता थी बोदल दे, तो यहां से यह कह सकते हैं कि तेजा जी के ससुर का नाम रायमल जी मुत्ता था, और जो माता है ईश्वरी, इनकी सास का नाम, तेजा जी की सास का नाम वो था बोदल देता। ठीक है, पेमल के एक मामा और थे, और मामा का नाम था खाजू काला। क्या नाम होता है? खाजू काला। ये क्यों बताया? काम की चीज है खाजू काला भी। अब देखो तेजा जी व पेमल के विवाह का विरोध कर रहे हैं खाजू काला। खाजू काला चाहते हैं, और खाजू काला के साथ यदि बात करें तो खाजू काला की बहन
बहन होगी ना बोदल दे, क्योंकि पेमल की माता है बोदल दे, मामा कौन है खाजू काला, तो ये बहन भाई हो गए ना। तो ये जो बोदल दे व खाजू काला दोनों ही ये चाहते हैं कि पेमल का विवाह तेजाजी के साथ न हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि जो खाजू काला के वंश में वह तेजाजी के पिता यानी ताहड़ जी के वंश में आपस में जो दुश्मनी का इनके अंदर रिश्ता था, और कोई रिश्ता नहीं था, वो रिश्ता था तो वो था दुश्मनी का, आपस में बैर चल रहा था, इसलिए ये विवाह करना नहीं चाहते थे। इसलिए खाजू काला ने ये विवाह है रोकने का प्रयास भी किया। जब खाजू काला ने विवाह रोकने का प्रयास किया, उस दौरान खाजू काला से ताहड़ जी धोल्या, ताहड़ जी धोल्या है वो करते हैं संग्रह से, ताहड़ जी धोल्या कौन, तेजाजी के पिता, और ताहड़ जी धोल्या ने इसी दौरान खाजू काला की कर दी थी हत्या। किसकी हत्या कर दी? ताहड़ जी धोल्या ने खाजू काला की हत्या कर दी, और तेजाजी का जो विवाह था वो संपन्न करवाया जाता है। इनके चाचा थे, चाचा का नाम होता आसकरण, तेजाजी के चाचा का नाम आसकरण, जिन्होंने इनका विवाह संपन्न करवाया, और इनके पिता खाजू काला से संघर्ष कर रहे थे, जिसमें खाजू काला की ताहड़ जी धोल्या ने कर दी हत्या। ठीक है जी, अब देखो जब ये हत्या कर दी, वापस वही दुश्मनी वाला माता जो थी पेमल की बोदल दे, उन्होंने कहा कि वह ताहड़ जी आपने तो दुश्मनी वाला रिश्ता भी बेखूबी से निभाया है। इसलिए बताया जाता है कि पेमल को उस दौरान तेजाजी के साथ खड़नाड़ नहीं भेजा गया था, क्योंकि इनके बीच में पुनः लड़ाई हो जाती है खाजू काला। हालांकि जो पिताजी हैं पेमल के, पिताजी रायमल जी मुत्था हैं, वो पेमल का विवाह है से सम्मान संपन्न करवाने के पक्ष में ही थे तेजाजी के, ठीक है। परंतु उनकी माता पेमल की व उनके मामा जो खाजू काला नाम आता है, ठीक है, ये इनके पक्ष में नहीं थे। अब या दूसरी बात देखिए तो 6 माह की उस पेमल को कहां ससुराल भेजा जाएगा, कारण जो भी रहा होगा, परंतु पेमल व तेजाजी का विवाह हो गया, परंतु पेमल को तेजाजी के संग उनके ससुराल नहीं भेजा, यानी पेमल ने ससुराल पहली बार नहीं देखा था, ठीक है यहां तक। अब देखो आगे यदि चर्चा करें, तेजाजी धीरे धीरे बड़े होते गए, जाट परिवार में जन्म लिया है, इसलिए मुख्य काम है खेती करना, खेती करना तो हल चलाना, तेजाजी हल चलाने का कार्य करते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, बड़े ठाट हैं। एक दिन वो दौर आया जब तेजाजी खेत में हल चला रहे थे, साहब क्या चला रहे थे, खेत में चला रहे थे हल। जब तेजाजी खेत में हल चला रहे थे, तेजाजी के बैल भूखे हो गए, तेजाजी स्वयं भूखे हो गए, परंतु इनको जो पीछे से खाना ले जाने वाला जल्दी नहीं पहुंच पाया था, या कह सकते हैं भाता ले जाने वाला, या छाक कहते हैं राजस्थानी शब्दावलंबी में, यानी खेत में जो भोजन ले जाया जाता उसको भाता या क्या कहते हैं, छाक। परंतु जब तेजाजी हल चला रहे थे उस दौरान स्वयं भूखे हो गए, परंतु इनके लिए खाना नहीं पहुंचा, बड़ी देर बाद इनकी एक भावज थी, जिन भावज का नाम है केला भावज, क्या नाम था, भावज केला, या कह सकते हैं भौजाई, और जो बलराम की पत्नी थी, किसकी पत्नी थी, बलराम की पत्नी थी, जो इनके भाई का नाम बताया जाता है जाट वंशावलियों के अनुसार, ठीक है जी। तेजाजी की भावज है केला, वो खाना लेकर खेत में बड़ी देर से पहुंचती है, तेजाजी ने लेट आने का कारण पूछा तो भावज ने उत्तर दिया, मन पीसियो मन पोयो कंवर तेजारे, मन को रान्यो खाटो खींचड़ो, यानी राजस्थान में जो किसान है पहले दिन जब हल चलाते हैं तो पहले दिन घर में खाटा व खींचड़ा बनाया जाता है, और इसलिए तेजाजी की भावज ने कहा मैंने तो आज खींचड़ा वगैरह बनाने में और पीसने में, यानी पहले जो घरों में हाथ से चक्की होती थी उससे पीसा जाता था, इसलिए मैं लेट हो गई। अगर तेरे को तेजाजी जल्दी खाने का शौक है तो तू अपनी परनी को क्यों नहीं ले आता, तू अपनी पत्नी को क्यों नहीं ले आता, उसको तूने तो पीहर में बैठा रखा, यानी भावज केला ने बोल मारे तेजाजी पर और उसकी परनी को लेकर। परंतु यहां तक तेजाजी को पता ही नहीं, भैया 9 माह के तेजाजी का विवाह हुआ, क्या पता रहेगा मेरी शादी हुई है कि नहीं हुई, तेजाजी को यहां तक पता ही नहीं है कि अपनी जो शादी भी हो चुकी है, अपनी कोई परनी या पत्नी भी है क्या। तेजाजी वही हल वगैरह छोड़कर
रास पुरानी वगैरह बैलों को खेत में ही छोड़कर चल देते हैं किधर, घर की तरफ। और घर जाते ही अपनी माँ को पूछते हैं, क्या मेरी कोई परणी है, क्या कोई मेरी पत्नी है, क्या मेरा विवाह हो चुका है, आज भावज केला ने ये बोल कैसे बोल दिए। तो इनकी माता बताती है कि सही है बेटा, तेरा विवाह भी हुआ है, जब तू 9 माह का था, जब धोले पोतड़ों में था उसी टाइम तेरा विवाह हो गया था। और तेजा जी पूछते हैं कहाँ है मेरी परणी, तो बताया जाता है कि पनेर गांव की जो पेमल है, रायमल जी मुत्था की पुत्री, वो ही तुम्हारी पत्नी है, वो ही तुम्हारी परणी है, आप उनको ला सकते हैं। इतने में प्रवेश होता है उनकी भावज का, कहती है मैंने केवल एक बोल मारा, उसके साथ ही तू अपनी परणी को लाने के लिए चल दिया, तैयार हो रहा, पहले उससे पहले तू अपनी बहन को लेकर आ। और उनकी बहन थी कौन, राजल वैसा। और तेजा जी अपनी बहन राजल को, इनका राजल का ससुराल कहाँ, तभी जी था, और जो किनकी पत्नी थी, जोरोजी या जोगोजी सिया की पत्नी थी, यानी तेजा जी के बहनोई का नाम था जोगोजी। राजल को लाते हैं, राजल को घर छोड़कर तेजा जी पहली बार, पहली दफा ससुराल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे साहब, ससुराल कौन, तेजा जी जा रहे। अब ससुराल में क्या घटनाक्रम होता है इनकी चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है जी। जब तेजा जी ससुराल पहुंचे थे, ससुराल में जाकर भी इनकी जो सास वगैरह थी, बोदल दे, क्या नाम था इनकी सास का, बोदल दे, बोदल दे ने भी बोल मार दिए, कौन आया ये काल का खाया हुआ, जो मेरे बाल चूमते हुए बछड़ों को भी इनने बिदका दिया या इनको डिस्टर्ब कर दिया, मैं तो गाय का दूध निकाल रही थी। तेजा जी वहीं से वापस अपने खरनाल की तरफ मुड़े, परंतु पेमल की सहेलियों ने बताया कि यही वो तेजा है जिसने कल ही हमारे को नाम बताया था जो पणघट पे कि मैं ही तेजा हूं, पेमल का घर कहा, इसने हमारे से रास्ता ही पूछा था। पेमल को पता चला कि हमारा तेजा आया, तो पेमल इनके पीछे दौड़कर पुनः घर में ले जाती। पेमल व तेजा जी की पहली मुलाकात हुई थी, कुछ और बातें होती, इसी बीच वहां पर एक आवाज आई, और जो आवाज आई थी नंदू गुर्जर की पत्नी की। किसकी आवाज, नंदू गुर्जर की पत्नी की। जो आवाज आई थी पेमल की सहेली की, और उसका नाम था साहब लाछा गुजरी। क्या नाम, लाछा गुजरी, और इसी लाछा का दूसरा नाम है हीरा गुजरी। और लाछा गुजरी वह हीरा गुजरी कौन थी, तो नंदू गुजर की पत्नी थी, वह पेमल की सहेली थी। और लाछा गुजरी ने आवाज लगाई कि मेर के मीणा है, वो मेर के मीणा मेरी गाय ले गए हैं, क्या कोई है ऐसा जो मेरी गायों को छुड़ा सके। और उसको तेजा जी ने साम लिया, या कह सकते हैं तेजा जी ने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। और तेजा जी को जब लाछा गुजरी अपनी गायों की स्थिति बताती है कि मेर के मीणा वो मेरी गाय ले गए, इसलिए तेजा जी पेमल से मुलाकात, या कह सकते हैं बातें नहीं कर कर ये बंदा चल देता है मेर के मीणाओं के पीछे, लाछा गुजरी की गायें छुड़ाने के लिए। और अब हम देखते हैं अगला जो बिंदु है अपना, कि तेजा जी द्वारा लाछा गुजरी की गायें मुक्त करवाना, वह मेर मीणा हो, मेर के जो मीणा है उनके से युद्ध करना। फिलहाल जो तेजा जी है वो है पनेर में, कहाँ है जी, पनेर, पनेर में पेमल से बातचीत कर रहा है वो तेजा, जो चल देते हैं किधर, मेर के मीणाओं के पीछे, लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए। बीच रास्ते में एक गांव पड़ता सेंधरिया, कौन सा साहब, सेंधरिया। और इस सेंधरिया गांव के निकट एक जो नाग था, सर्प कह सकते हैं, वो अग्नि में जल रहा था। तेजा जी ने जलते हुए नाग को देखा, उनका हृदय व्याकुल हो गया, और उस नाग को अपने भाले से फेंक दिया तेजा जी। और नाग ने कहा, रे दुष्ट, तू मेरा कब का दुश्मन है, कौन है तू। तो इन्होंने कहा, मैं तेजा हूं, जो भी होगा, मैं स्वर्ग जा रहा था, और स्वर्ग जाते हुए को तूने मेरे को रोक दिया, मेरी अब मुक्ति नहीं होगी, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, मेरी जो जीव जुनी है इससे मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा, मैं तेरे को डसूंगा। तेजा जी आप हैं मेरे दुश्मन बन चुके हैं।
तेजाजी ने कहा, अभी तक मेरा जो उद्देश्य है वो मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गाय छुड़ाना है। जब भी लाछा गुजरी की गाय छुड़ाकर मैं पुनः यदि जिंदा लौट गया तो नागराज मैं आपके पास वापस आऊंगा। और तेजाजी महाराज ने यहां पर नागराज को वचन दे दिया। कहां? सेंद्रिया गांव में। कौन से गांव में? सेंद्रिया। नागराज को वचन देते हुए तेजाजी मेर के मीणाओं का पीछा करते हैं और इसी बीच मंडावरिया नामक स्थान पड़ता है, मंडावरिया। और इस मंडावरिया नामक स्थान पर तेजाजी ने मेर के मीणाओं से युद्ध किया था, जिसे कहते हैं मंडावरिया का युद्ध। और मेर के मीणाओं को तेजाजी ने कर दिया पराजित और तेजाजी गायें लेकर लाछा गुजरी की आ गए पुनः पने। लाछा गुजरी ने अपनी गायों पर नजर दौड़ाई, कौन कौन सी गाय है। तो लाछा गुजरी की गाय सारी थी नहीं, था तो उसमें एक उनका सांड था, वो नहीं था। अरे तेजाजी, जो मेरी इन गायों के बराबर मेरा एक जो सांड था वो तो आप छोड़ आए, वही तो चीज थी। इसलिए तेजाजी पुनः उस सांड को बचाने के लिए, उस सांड को लाने के लिए मेर के मीणाओं के पास जाते हैं। और इस दौरान तेजाजी बुरी तरह से घायल जरूर हो गए थे, परंतु वो लाछा गुजरी का सांड लाकर लाछा गुजरी को सौंप दिया। सांड लाकर सौंप दिया, तेजाजी घायल अवस्था में, घायल तेजाजी को ख्याल आया उस नाग के वचन का कि कैसे भी करके नागराज ने नागराज को मैंने वचन दिया था, मैं उस वचन का पालन करूं। और तेजाजी पनेर से चलते हैं नागराज के वचन निभाने के लिए, तो कौन से गांव? सेंधरिया गांव। सेंधरिया गांव। और इस सेंधरिया गांव में जाकर, हां जी नागराज, मैं आपके सामने उपस्थित हूं, आप मुझे डस सकते हो, आप आपकी जो दुश्मनी का बदला ले सकते हो। उस दौरान नागराज ने डसने से ही मना कर दिया। अरे तेजा की, आप तो हर जगह से खंडित हो, मैं नहीं डस सकता, कोई ऐसा अंग नहीं बचा आपका जो खंडित नहीं है, खंडित अंग को मैं नहीं डसूंगा। तेजा जी ने कहा, नागराज आपने केवल मेरा भारी अंग देखा, एक ऐसा भी जो अंग है वो खंडित नहीं है, वो है मेरी जीभ, आप मेरी जीभ पर डस सकते हो। और नागराज ने तुरंत ही तेजाजी की जीभ पर डस लिया था, या कह सकते हैं जिह्वा पर डस लिया था। और यही तेजाजी का प्रतीक है। क्या है तेजाजी का प्रतीक? क्या प्रतीक है? अश्वारोही। अश्वारोही जिह्वा पर सर्प दंसता हुआ, ये तेजाजी का प्रतीक है। अश्वारोही जीवा पर सर्प दस्तावा, तेजाजी महाराज का क्या ऐसा प्रतीक? तेजाजी को सर्प ने दस लिया, धीरे धीरे जहर जो है वो शरीर में फैल रहा है। इतने में तेजाजी सेंद्रिया से आगे थे सुरसुरा, और सुरसुरा भी कहां पड़ता है साहब? अजमेर में पड़ता है। और सुरसुरा अजमेर में आते ही इनके शरीर में पूर्णतया जहर फैल चुका था, और यही तेजाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए थे। सदा सदा के लिए ये अमर हो गए थे, जो आज भी पूजे जाते हैं। तेजाजी की जो घोड़ी थी, जिनका नाम था लीलण, और इसी लीलण का नाम था सिंगारी, जो घोड़ी लीलण वहां से दौड़ी दौड़ी जाती है, और इसी लीलण घोड़ी ने राजल व इनकी माता, तेजाजी की माता राजकुंवरी व रामकुंवरी को तेजाजी की वीरता का व तेजाजी के जो बलिदान है उसका समाचार दिया था। तो दूसरी तरफ तेजाजी है, वो तेजाजी स्वयं जो थे, इन्होंने एक अपना जो मेमंद मोलिया, जो सिर पर बांधा जाता मेमंद मोलिया था, ये मेमंद मोलिया आशा देवासी को, किसको साहब? आशा देवासी को देकर पेमल के पास भेजा था। अपनी निशानी के रूप में तेजाजी ने अपना मेमंद मोलिया था वो आशा देवासी के माध्यम से किसके पास पहुंचाया था? पेमल के पास पहुंचाया था। और ये थे तेजाजी का अपना बलिदान, जिनको लोग उम्र भर के लिए याद भी रखेंगे। अब यदि हम बात करें लास्ट बिंदु की, तेजाजी के प्रमुख जो मंदिर वगैरह हैं, जो प्रमुख पूजनीय इनके स्थान हैं उनकी, तो तेजाजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो प्रसिद्ध मंदिर है इनके जन्म स्थान पर। और जन्म स्थान कहाँ साहब? खरनाल। इनका जो एक तो मंदिर है खरनाल या खरनाल, खरनाल या खरनाल नागौर में,
खरनाल या खड़े नाल नागौर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। उनके बाद में जहां इन्होंने अंतिम सांसें ली थी, तो दूसरा मंदिर है सुरसुरा, और सुरसुरा कहां पड़ता है? अजमेर में, ठीक है। उसके बाद में इनका जहां ससुराल था, ससुराल कहां? पनेर। और एक मंदिर है इनका कहां पर? पनेर गांव में, ठीक है जी। उसके अलावा यदि कुछ से अन्य बिंदुओं की बात करें, जाट जाति के हैं, किसान कौम के देवता हैं, इसके साथ साथ अजमेर के ये इष्ट देव हैं। कहाँ के साथ? अजमेर के इष्ट देव हैं। एक सैरिया जनजाति है 12 जिले में जो निवास करती है, और 12 जिले की सैरिया जनजाति इनको अपना आराध्य मानती है। अजमेर का एक गांव पड़ता है साहब भावता, और इस भावता गांव कहां पड़ता है जी? अजमेर में। और इस भावता अजमेर में जो सर्पदस रोगी है, उस सर्पदस रोगी का गोमूत्र से, किसे? गोमूत्र से फ्री इलाज या कह सकते हैं निःशुल्क इलाज किया जाता है। इनके जो मेले मुख्यतः लगते हैं भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को, जिसे तेजा दशमी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वीरता इसी तिथि को प्राप्त की थी सुरसुरा। उसके अलावा जो एक बूंदी पड़ता है, बूंदी का दुगारी, और बूंदी का जो दुगारी है वो तेजा जी की कर्म स्थली रहा है। क्या रहा है साहब? कर्म स्थली रहा है तेजा जी पर। वर्ष 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। इसके अलावा एक विशेष बात करें, तेजा जी का पेनोरमा कहां है? तो पेनोरमा है हरसौर नामक स्थान पे। कहां है साहब? हरसौर, जो नागौर टू अजमेर रोड पर स्थित है। नागौर से अजमेर जाए तो उस रोड पे हरसौर, जहां पर तेजा जी का पेनोरमा है, और इसी पेनोरमा में ऑल ओवर तेजा जी का जो इतिहास है वो उकेरित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। और ये थे हमारे जाट जाति के, किसान कौम के काला बाला लोक देवता तेजाजी महाराज। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। धन्यवाद।